आदरणीय राजनाथ सिंह जी भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार उन्होंने स्वीकार लिया है। अब बोलना चाहते आई कॉल अपॉन रिस्पेक्टेड ऑल इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी ऑन द डायस टू मोटिवेट ऑल प्रेजेंट हियर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनीष सरकार साहब रावल जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, यहां के आमदार श्री जय कुमार जी रावल, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, मेरे मित्र श्री सुभाष जी भामरे, मां साहब नयन कुमार जी रावल नगर पालिका अध्यक्ष, जय अदित सिंह रावल, बेबी रानी वेदांत श्री कुमारी, श्री तुषार रंधे जिला परिषद अध्यक्ष, श्री नारायण बाजी राव जी पाटिल, श्रीमती कुसुम ताई निकम जिला परिषद उपाध्यक्ष, श्री प्रदीप नाना करपे महापौर धुले, डॉक्टर प्रवीण विक्रम मुख्य नगराधिकारी नगर पालिका, निखिल कुमार यादव शहराध्यक्ष प्रवीण महाजन और सबका नाम तो आ गया, श्रीमती सीमा पेटकर जो मंच का संचालन कर रही थी और जनाब अहमद शेख और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं मराठी नहीं बोल सकता इसलिए हिंदी में बोल सकता हूं, आप समझेंगे। तुम्ही सगले कसे आहात? खूब छान, खूब छान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कैसा गहरा संबंध है यह उन लोगों को जानकारी होगी जिन्होंने कि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटा है। उदाहरण कई मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गहरे संबंधों के, लेकिन एक ही उदाहरण इस समय आपके सामने देना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जब अयोध्या से वनवास हुआ था तो उन्होंने अपने जिंदगी का कुछ समय आकर भी कहीं पर बिताया था, तो इसी नासिक के बगल में पंचवटी में आकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपना समय काटा। यही कारण है कि जब भी मैं महाराष्ट्र के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं मानता हूं यह जहां पर वीरों की धरती है महाराष्ट्र की, वहीं पर यह संतों की भी धरती है। यहां शौर्य, पराक्रम और अध्यात्म, इन तीनों का समन्वय इस महाराष्ट्र की धरती पर देखने को मिलता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं कह सकता हूं बहनों भाई, जिस शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है सभी जानते हैं, भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी जानते हैं। भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किसी ने की थी तो इसी हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने ही हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। उस समय का बहुत बड़ा सल्तनत औरंगजेब का माना जाता था और कहा जाता था वह सल्तनत बहुत ही अहंकारी थी और उस अहंकारी सल्तनत के अहंकार को कोई चूर चूर नहीं कर पाया था। पहली बार औरंगजेब की बड़ी सल्तनत के अहंकार को चूर करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया। आज भी केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत के कण कण में छत्रपति महाराज शिवाजी की स्मृति विराजमान है। और हकीकत यह है कि जब भी मैं महाराष्ट्र की धरती पर आता हूं छत्रपति महाराज जी की याद स्वाभाविक रूप से मुझे आती है और इस धरती पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं जय कुमार रावल, जो आपके
आमदार है कि उन्होंने आज कितने सारे चीजों का लोकार्पण कराया है। सबके पीछे एक बड़ी कहानी है, सबके पीछे एक बड़ा इतिहास है। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, बहुत सारी नगर पालिकाओं को देखा है, नगर परिषदों को देखा है, नगर निगम को देखा है, लेकिन बंडईचा की इस नगर परिषद को देखकर सचमुच मैंने तो दांतों तले उंगली दबाई।